दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। जी दोस्तों, कल हम लोग जिसका बात कर रहे थे कि आईटीआई रेलवे ग्रुप डी से हटेगा क्या नहीं, कल हम लोग देखे थे कि सुशील कुमार मोदी जी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेटर लिखे थे। तो आज पीयूष गोयल जी ने ये टोटली आईटीआई मैंडेटरी जो था ग्रुप डी से वो हटा दिया गया है। तो इसके लिए बहुत ही आंदोलन हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया में। रेलवे का चक्का जाम हो रहा था, रेलवे स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि ग्रुप डी में कोई भी टेक्निकल वर्क नहीं होता है। तब भी इस साल आईटीआई से मैंडेटरी आईटीआई को मैंडेटरी कर दिया गया था ग्रुप डी में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, देख बताते हैं क्या है न्यूज़। तो आप हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करें और बेल बटन पर प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मैं क्योंकि इस चैनल पांडे गुरु जी में डेली एग्ज़ाम रिलेटेड, रेलवे एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ और वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करता हूं। तो जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सारे का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड डेली करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्या न्यूज़ है और क्या प्रकाशित न्यूज़ हुआ है। तो मैं आपको ले जा चलता हूँ, ये हिंदुस्तान का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको बताते हैं कि पीयूष गोयल जी ने क्या घोषणा की है। तो यहाँ पे एक आज न्यूज आ रही है कि देख रहे हैं 22 फरवरी है, 8:23 में रात में अपलोड हुआ है न्यूज़। तो रेलवे भर्ती परीक्षा में आईटीआई की अनिवार्यता खत्म, रेल मंत्री ने किया ट्वीट। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे न्यूज़। रेलवे भर्ती परीक्षा में आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए आईटीआई या एनसीटी योग्यता की दरकार नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रेल मंत्री ने एक के बाद कई ट्वीट किए। इस निर्णय से उन लाखों छात्रों का प्रयास रंग लाया जो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। जैसा कि हम लोग देखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बाहर हो जा रहे थे क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आईटीआई नहीं किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते थे। और एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक काफ़ी सालों के बाद 60,000 वैकेंसी आई है और बहुत सारे बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जैसे कि कल हम लोग वीडियो में बताए थे कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आईटीआई के अनिवार्यता को समाप्त करने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल को बधाई देते हुए कहा कि इस फैसले से बिहार के हजारों लाख लाभान्वित हो गए। तो जैसे ही अनिवार्यता हटा दी गई है वैसे ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को बधाई देते हुए ये खुशी जाहिर की है। तो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ था। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस पूरे विषय में सरकार से युवक युवताओं युवतियों की जनता जनार्दन की उम्मीदें हैं, सबको समान मौका मिले, रेलवे भर्ती की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले, इसलिए जनहित में फैसला लिए हैं। बताया कि कक्षा 10 या आईटीआई या एनसीबीटी का प्रमाण पत्र रखने वाले सभी अभ्यर्थी अब लेवल 1 की परीक्षा के योग्य माने जाएंगे। वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अन्य ट्वीट में कहा कि पहले 10वीं कक्षा पास विद्यार्थी केवल लेवल 1 परीक्षा में भाग लेते थे। हम इस स्थिति को पुनः स्थापित कर रहे हैं। अब इस परीक्षा के लिए 10वीं परीक्षा पास आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इसी बता सकते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये पूरे आंदोलन चल रहा था पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ये बिहार का कुछ में था कि रेलवे का चक्का जाम हुआ था। तो ये बेसिकली दोस्तों ये न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है वैसे स्टूडेंट के लिए जो आईटीआई कंपलसरी नहीं है, आईटीआई नहीं किए हुए हैं और नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो ये न्यूज़ में दिया गया हुआ है। तो आपको ले चलते हैं ट्विटर पेज पे जो रेलवे का है, तो यहाँ पे 100% एक कंफर्म होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इंडियन रेलवे का ये ऑफिशियल ट्विटर पेज है। तो यहाँ पे जितने भी ट्वीट होते हैं वो 100% सही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 या आईटीआई या एनसीबीटी का प्रमाण पत्र रखने वाले
सभी अभ्यर्थी अब लेवल एक की परीक्षा के योग्य माने जाएंगे और वह इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्वीट है, ये देखिए दूसरा दूसरा ट्वीट है। तो ये बेसिकली बहुत सारे ट्वीट आज पीयूष गोयल जी का ऑफिशियल पेज से आया था और रेलवे पेज पे ट्वीट किया हुआ है। तो दोस्तों आप जो कंपटीशन काफ़ी तेज़ हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है, तो नन आईटीआई के स्टूडेंट के लिए भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और होप कि वो लोग भी कहीं आंदोलन करना ना लगे। तो आप जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा कर तैयारी करें, और हमारे चैनल पे वीडियो रेगुलरली अपलोड हो रहा है उसको देखते रहें, और हमारे वेबसाइट www.itofficerjob.com यहाँ पे विजिट करें, और आप यहाँ पे जाके आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।